दोस्तों, हम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र या फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हैं। इस वीडियो को देखने से पहले ही हम आपको बता दें कि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी इंटरनेट के थ्रू ली गई है और ये सारी की सारी हमारी पर्सनल रिसर्च और स्टडी है। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे पहले हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी तरफ से भी सारी स्टडी और रिसर्च को कर लीजिए, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके द्वारा की गई कोई भी इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट या लॉस दोनों की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रवीण, आप सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वर्ल्ड के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आप सभी फिर से हाजिर मिले क्या बिटकॉइन वॉलेट्स की सारी सारी ताजा अपडेट। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत ज्यादा धमाकेदार न्यूजेस हैं जो कि आई होप आप सुबह से सुन ही रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे पर्सन को उसमें कन्फ्यूजन भी हो सकता है, तो वो सारे डाउट्स हम लोग क्लियर करेंगे वीडियो के अंदर। और फेसबुक के ऊपर कल मैं वीडियो लेके आऊंगा पूरी डिटेल में कि फेसबुक का ये जो लिब्रा कॉइन है क्या है, कब आएगा, कैसे आएगा, कौन यूज़ करेगा, कहाँ यूज़ करेगा, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन जो होगी वो हम लोग देखेंगे कल एक सेपरेट वीडियो के अंदर, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमारा मेनली फोकस होता है टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर प्लस कुछ न्यूज़ के ऊपर, ताकि हम पूरे मार्केट को थोड़ा ढंग से यहाँ पे समझ सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि अगर अभी तक हमने टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स ज्वाइन नहीं करा है तो यहाँ पे आपको मेल आईडी मिल जाएगी, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, इस पर ज्वाइन कर सकते हो अगर आप क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग को सीखना चाहते हो। और अगर आप वीआईपी ज्वाइन करना चाहते हो तो 25 तारीख से उसकी एंट्री यहाँ पे चालू हो जाएंगी और उसकी फीस कुछ 500 मंथ है। तो अगर आप डिटेल लेना चाहो तो मुझे इसी मेल आईडी के ऊपर मेल यहाँ पे कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं सीधे चार्ट्स के ऊपर और देखते हैं कि अभी जो मार्केट है वो किस पोजीशन पर बैठा है, क्या मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहता है या फिर नीचे जाना चाहता है। तो चलिए दोस्तों, चलते हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों, मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका हूँ और ऑलरेडी मैं ब्रेव ब्राउजर यूज कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था, ताकि हम लोग एड्स यहाँ पे बच सकें, जो एड्स बहुत सारे हमको अनोइंग मिलते हैं। फिलहाल दोस्तों, हमारे पास है बिटकॉइन का चार्ट बिटमैक्स का, और प्रीवियसली शेयर लास्ट वीडियो में जब हमने बात की थी तो प्राइस कुछ इस पॉइंट के आसपास सर्च कर रहा हुआ था। उसके बाद आप देखोगे कि प्राइस ने थोड़ा सा डीप डाउन लिया है और यहाँ पर एक डबल टॉप बनाया था, तो ऑलमोस्ट जो प्राइस का करेक्शन है उसको इस रेंज यानी कि 8900 के आसपास तक आना चाहिए करेक्शन करने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि यहाँ पर हम लोगों को एक असेंडिंग ट्रायंगल देखने को मिले कुछ इस तरीके का। तो अगर ये बिटकॉइन का जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट 9000 के मार्क को नहीं तोड़ता है, मतलब 9000 के मार्क को अच्छे से रिस्पेक्ट करता है और यहाँ से प्राइस अगर वापस रिवर्ट करता है तो पॉसिबिलिटी होगी कि यहाँ पर जो प्राइस इस पॉइंट पे जाकर इसको ब्रेकआउट कर दे, क्योंकि यहाँ पर जो एक बड़ा वाला एक असेंडिंग ट्रायंगल है बिटकॉइन के अंदर, इस वाले असेंडिंग ट्रायंगल की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। इसका कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इसकी लाइन नहीं आ रही है तो इसका कलर हम लोग कर देते हैं ब्लू, ताकि आपको देखने में थोड़ा सही से जाए, या फिर थोड़ा सा लाइट कलर देते हैं इस तरीके का, और इस लाइन को भी हम लोग यहाँ से लेके लाइट कलर में यहाँ पे कर देते हैं। तो ये जो दोस्तों आपको दो लाइट कलर की लाइंस दिख रही है, ये एक्चुअली में एक बड़ा वाला असेंडिंग ट्रायंगल है। पहले असेंडिंग ट्रायंगल कुछ इस तरह फॉर्मेशन हो रहा था, लेकिन अभी ये जो असेंडिंग ट्रायंगल है कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो असेंडिंग ट्रायंगल, इसकी अगर हम हाइट में ऐसे नापने की कोशिश करते हैं, जो टारगेट है वो ऑलमोस्ट 10,000 प्लस यहाँ पे टारगेट जा रहा है बिटकॉइन के आसपास का। और यहाँ पर अगर हम देखें तो एक असेंडिंग ट्रायंगल जैसा फॉर्म हो सकता है अगर इसको ब्रेकआउट नहीं करता है, और अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो हमारे पास यहाँ पे सपोर्ट है $8,800 के आसपास, जहाँ पे कि प्राइस रिवर्ट होने के चांसेस हो सकते हैं। फिलहाल में मार्केट के अंदर कोई भी बेयरिशनेस इतनी ज़्यादा नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए डेफिनेटली हमको कुछ थोड़ा बहुत बेयरिशनेस मार्केट में देखने को मिल रही है, लेकिन ऐसा जो बड़ा टाइम फ्रेम है उसके अंदर कोई ज़्यादा भी हमें बेयरिशनेस यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। और आई होप आप इसके अंदर कन्फ्यूज ना हो, तो मैं इन सारी चीज़ों का से रिमूव कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा हम लोग उसको क्लियर तरीके से ड्रॉ कर सकें। तो आप ये देख सकते हैं कि ये वाला हमारा वो असेंडिंग ट्रायंगल था जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, और इस असेंडिंग ट्रायंगल के हिसाब से अगर प्राइस को कैलकुलेट करा जाए ब्रेकआउट के बाद, तो वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 11,000 के आसपास इसका मेन टारगेट यहाँ पे आ रहा है। तो फिलहाल में हमको ये देखना होगा कि ये जो प्राइस एक्शन है ये कितना ज़्यादा परफॉर्म करता है, या फिर जो प्राइस एक्शन है वो कुछ इस तरीके से एक अपर, आप कह सकते हैं कि एक अपर बॉलिंच टाइप के एक चैनल के अंदर जा सकते हैं। तो अगर ये चैनल यहाँ पे क्रिएट होता है तो ऑलमोस्ट जो प्राइस है वो 10,000 को टच करेगा, और अगर ये असेंडिंग ट्रायंगल के थ्रू यहाँ पे जो प्राइस है वो ऊपर की तरफ जाता है तो हम लोग 11,000 के आसपास बिटकॉइन को बहुत जल्द यहाँ पे देख सकते हैं, हो सकता है हम जुलाई के मंथ में देख लें। फिलहाल में जो पूरी मेरी नज़र रहेगी वो रहेगी इस प्राइस एक्शन के आसपास की, यहाँ पे क्या होने वाला है, क्या ये यहाँ पर इसको एक असेंडिंग ट्रायंगल की तरह यहाँ पे लेता है। इसका हम कलर व्हाइट कर देते हैं ताकि नॉर्मल कलर्स में आ जाएगा,
यहाँ पर ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि क्या इसको एक असेंडिंग ट्रायंगल की तरह लिया जाता है या फिर ये एक चैनल यहाँ पे क्रिएट करता है और उसके बाद फिर हम लोगों को एक सर्जर यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर ये ब्रेकआउट कर देता है ऑलमोस्ट 9300 या 9400 को, तो यहाँ से हम लोग लॉन्ग की पोजिशन को क्रिएट करेंगे। और अगर ये 8900 को ब्रेक डाउन करता है तो हम यहाँ से शॉर्ट की पोजिशन को क्रिएट करने वाले हैं। लेट्स सी कि मार्केट हमको किस तरफ का मूवमेंट दिखाता है। अगर हम इंडिकेटर की बात करें तो फिलहाल में मार्केट थोड़ा सा बेयरिश है, जो कि आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। मैग्डी में हमको क्रॉस देखने को मिला, यानी कि जो मार्केट है वो हो सकता है कि स्ट्रैंगल के अंदर वापस आ जाए, जो कि पिछली बार भी ऐसा हुआ था। आप यहाँ पे देखोगे कि ये वाला जो एक असेंडिंग ट्रायंगल हमको बनता हुआ दिख रहा था, प्राइस ऊपर गया, होवर कराए, वापस प्राइस अंदर की तरफ आ गया। तो ये चांसेस भी हो सकते हैं कि मार्केट का जो प्राइस है वो इसके अंदर आ जाए और जो प्राइस कंसोलिडेशन है वो वापस इस पॉइंट से करके यहाँ से ब्लास्ट करने की कोशिश करें। तो ये फेकआउट्स होते हैं बुल्स और बीयर्स की तरफ से। फिलहाल में बुल ट्रेंड चल रहा है तो बुल्स की तरफ से ऐसे फेकआउट यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम चलते हैं इथेरियम के ऊपर, और इथेरियम में दोस्तों आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पर एक जो ट्रेंड लाइन थी, ये इस ट्रेंड लाइन को आप यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हो। ये जो एक ट्रेंड लाइन थी ये यहाँ पे ब्रेकआउट हुई है, हालांकि इतना कोई खास वॉल्यूम यहाँ पे जनरेट नहीं हुआ है इसको ब्रेकडाउन करते हुए, लेकिन हालांकि ब्रेकडाउन हुई तो हम इसको भी थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे सकते हैं। फिलहाल में दोस्तों जो मेरा मार्कडाउन है वो यहाँ पर है ऑलमोस्ट $275 के आसपास का। अगर $275 को ये तोड़ता है तो यहाँ से फिर हम लोग लॉन्ग करेंगे $300 के लिए, और अगर ये प्राइस किसी तरीके से नीचे आता है तो डेफिनेटली जो प्राइस है वो हमको देखने को मिल सकता है $250 या $260 के आसपास तक का इथेरियम के अंदर, क्योंकि इतनी बड़ी लाइन ब्रेक डाउन हुई तो हो सकता है कि थोड़ा सा उसका करेक्शन नीचे की तरफ हो और उसके बाद हमको प्राइस देखने को मिले, या फिर अगर प्राइस यहीं की सर्च करता है कुछ इस वे के अंदर तो यस ये डेफिनेटली इसको ऊपर की तरफ तोड़ सकता है। तो आप ये दो लेवल्स को देख सकते हो, और इसके पहले एक और सपोर्ट हमको देखने को मिल जाएगा इस पॉइंट पे, जो कि $258 यानी कि $260 के आसपास है। तो इजीली आप अपने टारगेट्स लगा सकते हो। फिलहाल में यहाँ पे कोई लंबा ट्रेड हमको देखने को नहीं मिल रहा, तो स्कैल्पिंग करना एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है इस पॉइंट पे। बाकी आप देख सकते हैं कि अगर आपको लंबा ट्रेड लेना है तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए ताकि कुछ अच्छे मूवमेंट्स यहाँ पे कैचअप करने को मिल जाए। नेक्स्ट दोस्तों हम चलते हैं लाइट कॉइन के अंदर, और लाइट कॉइन ने दोस्तों अच्छी खासी परफॉर्मेंस दी, और आप देख सकते हैं लाइट कॉइन फिर से यहाँ पे भागना शुरू हो गया है। फिलहाल में जब प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है तो यहाँ पर मुझे ये एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, जो कि आप क्लियरली देख सकते हो ट्रायंगल तरीके का। अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ तो कुछ इस तरीके का हमको ये एक ट्रायंगल देखने को मिल रहा है। आई होप आपको ये क्लियर देखने को मिल रहा हो, नहीं तो हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं और बैकग्राउंड कलर को भी हम थोड़ा येलो करते हैं। तो ये दोस्तों एक ट्रायंगल है, अगर ये ट्रायंगल को ब्लास्ट करता है ऊपर की तरफ लाइट कॉइन, तो डेफिनेटली जो लाइट कॉइन होगा वो हमको देखने को मिलेगा $151 के आसपास। और अगर ये इसको वापस से नीचे की तरफ करता है यानी कि $126 को तोड़ेगा, तो हम लोगों को जो प्राइस है वो $113 के आसपास देखने को यहाँ पे मिलेगा। पर जो मैक्सिमम चांसेस है वो यही है कि लाइट कॉइन ऊपर जाएगा, क्योंकि मेरा टारगेट अभी तक अचीव नहीं हुआ है $170 का। मतलब मेरे टारगेट से कहने का मतलब ये नहीं कि करेगा ही वो, लेकिन हाँ एक टारगेट है, क्योंकि एजम्पशंस जो इसके हिसाब से देख सकते हैं कि ये जो पूरा चैनल यहाँ पे चल रहा है बड़ा वाला, जो कि मैं आपको बहुत समय से वीडियो के अंदर बता रहा हूँ, ये व्हाइट लाइन जो आप बड़ी वाली देख सकते हो, इसके हिसाब से ऑलमोस्ट 170 से लेकर 180 का एक टारगेट है, और पर्सनल टारगेट हमारा 200 फेवरेट है इसके अंदर। लेट्स सी कि कितना परफॉर्म करता है, क्योंकि जितना भी परफॉर्म करेगा हलविंग से पहले वो डिसाइड करेगा कि जो इसका बुल रन आएगा, रियल वाला जो बुल रन होगा जो बिटकॉइन के साथ आने वाला है, उसमें कितना परफॉर्म करने वाला है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रिटिकल रहेगा। तो अगर ये ब्लास्ट करता है तो हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लेट हो जाए, पर देख लीजिएगा जब भी ब्लास्ट करे आपको एक अच्छी अपसाइड की एंट्री यहाँ पे मिल सकती है। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग चलते हैं बीएनबी कॉइन के अंदर, और बीएनबी ने दोस्तों एक अच्छा खासा मूवमेंट दिखाया है हमारे सपोर्ट से। पहले ये वाला एक असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस ऊपर गया, देन वापस नीचे की तरफ आ गया, यहाँ पर प्राइस ने थोड़ा सा स्टेबिलिटी दिखाई है और यहाँ से वापस प्राइस ऊपर जाए। तो अगर प्राइस यहाँ पे $35.5 को तोड़ता है तो देन डेफिनेटली हम $40 के इजीली आसपास पहुंच जाएंगे, और अगर वापस से प्राइस इस पॉइंट से रिजेक्ट होता है तो हम वापस से $32 के आसपास यहाँ पे आ सकते हैं। तो अपनी बिट्स आप लगा के रख सकते हो, और अगर आपने पहले वीडियो देख के लगाई होगी तो वेरी गुड, आपने अच्छा खासा अभी तक प्रॉफिट ऑलमोस्ट कमा लिया होगा। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग चलते हैं नियो कॉइन के ऊपर, और नियो दोस्तों थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है फिलहाल में। एक रैली अच्छी खासी दी थी इसने कुछ $11 के आसपास से, फिलहाल में यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस मिला है, डबल टॉप जैसी सिचुएशन यहाँ पे लग रही है, लेकिन जो प्राइस है वो ऊपर की तरफ ओवर कर रहा है, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बाकी कॉइन्स के साथ इसकी भी यहाँ पे रैली आ जाए। और फिलहाल में जो इसका टारगेट है ऊपर का वो ऑलमोस्ट $18 के आसपास मुझे देखने को मिल रहा है इस चैनल के अकॉर्डिंग, लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि इसको $15 को तोड़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और यहाँ पे भी आप प्रीवियसली देख सकते हो कि हमने प्रीवियस वीडियो में मार्कडाउन करा था कि ये एक लेवल जो है ये बहुत अच्छा सपोर्ट बना हुआ था पहले की तरफ नियो पे, लेकिन फिलहाल में यहाँ पर यही चीज़ रेजिस्टेंस बनी हुई है, और ये चीज़ मुझे बता रही है कि यस यहाँ पे कुछ ना कुछ हिट होगा, और हिट होने के बाद जो प्राइस है नॉर्मल प्राइस एक्शन जिसको मैं एक
अज्यूम कर सकता हूँ वो ऑलमोस्ट $25 को भी टच कर सकता है, लेकिन पहला टर्न मेरा $18 होगा, उसके बाद जो भी टीए होगा जब भी हमको डीप में मिलेगा उस टाइम यहाँ पे खरीदेंगे। नेक्स्ट उस हम लोग चलते हैं ऑन्टोलॉजी कॉइन के ऊपर और यहाँ पे शायद कुछ ड्रॉइंग्स है। यस हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ करा था और आप देख सकते हो कि जो अभी ये पैरालेक्स लाइन हमने ड्रॉ करी थी प्रीवियस वीडियो में, ये यहाँ पे अच्छी तरीके से एक सपोर्ट सिस्टम का काम करी। फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट लाइन ये वाली है, तो इसका ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है सभी कॉइन्स के अंदर, तो हो सकता है कि छोटा मोटा करेक्शन इसके अंदर कंप्लीट हो और यहाँ पर हम लोगों को कुछ और भी ज़्यादा पैटर्न देखने को मिले। लेकिन इंटरेस्टिंग दोस्तों ये रहेगा कि अगर ये $1.26 को तोड़ देगा तो देन डेफिनेटली हम लोग इसको $1 के आसपास देख सकते हैं, $0.9 के आसपास। लेकिन अगर ये इस मूवमेंट को यहाँ ऊपर की तरफ ब्रेकडाउन कर देता है, अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन से आपको बताऊँ $1.59 या $1.60 को ये ब्रेकडाउन कर देता है तो देन डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर भी जैसा न्यू के अंदर हम लोगों को देखने को मिल रहा है एक सपोर्टिव रेजिस्टेंस जिसे आप कह सकते हो इस पॉइंट के ऊपर हम लोगों को ऑन्टो में भी देखने को मिल रहा है, तो अगर इसको ब्रेक डाउन करता तो देन डेफिनेटली हम $2.8 तक जाने की क्षमता रखते हैं ऑन्टो के अंदर। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो ये अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है आपके शॉर्ट टर्म के लिए क्विक प्रॉफिट्स के लिए। नेक्स्ट दोस्तों हम चलते हैं XRP के ऊपर जो कि हमारा लास्ट कॉइन है, और XRP ने दोस्तों हमारा जो ये टारगेट है ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर 46 थोड़ा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिला XRP के अंदर, बट दैट्स ओके। फिलहाल यहाँ पे XRP के अंदर हम लोगों को एक बहुत बड़ा मोमेंटम देखने को मिल रहा है जिसे हम कह सकते हैं कुछ इस पॉइंट की तरह, अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो इसके हिसाब से अगर मैं टारगेट्स की बात करता हूँ XRP के अंदर तो मुझे एक बुल फ्लैग जैसा भी देखने को मिल रहा है। तो अगर ये प्रॉपरली यहाँ से ब्रेक डाउन होता तो ऑलमोस्ट $0.56 के आसपास तक जो XRP है उसको टच कर सकता है। लेट्स सी कि मार्केट किस तरह परफॉर्म करता है, लेकिन उससे पहले एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि जो मार्केट है वो वापस 0.39 के लेवल के आसपास आ सकता है, तो ये एक अच्छी बाइंग रेंज हो सकती है। तो आप देखिए कि अपनी जो रिस्क है उसको आप कैसे कम कर सकते हैं, और अगर आप यहाँ से बाय करते हैं फिर यहाँ से बाय करते हैं और किस तरीके से आगे चलते हैं। आज दोस्तों XRP से रिलेटेड भी एक न्यूज़ है जिसके बारे में आपको बताऊंगा, तो अभी हम चलते हैं न्यूज़ पे क्योंकि हमारे कॉइन्स ऑलमोस्ट खत्म हो गए। अगर आपके कोई फेवरेट कॉइन्स हो तो आप बता देना, उनको भी हम यहाँ पे कवर अप कर लेंगे। सबसे पहले जो दोस्तों न्यूज़ आ रही है वो आ रही है US के CFTC कौन है, तो ये है कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन है USA की जो कि काम करती है, और यहाँ पर इन्होंने एक्शन लेना शुरू कर दिया है अगेंस्ट जो कि 147 मिलियन बिटकॉइन की इन्वेस्टमेंट स्कीम्स आई थी, जैसे कि ICOs जो आए लोगों का पैसा लिया और चले गए जैसी है बोल के, तो उन लोगों के खिलाफ यहाँ पे एक्शंस लेना शुरू कर दिए USA ने। और सबसे पहला जो इनका निशाना बना था वो बना था किक करके एक ICO आया था 2017 में, उसके ऊपर अब ये धीरे धीरे दूसरी जगह भी जा रहे हैं, देख रहे हैं कि भाई किस किस ने माल बटोरा है, चलो सबको अंदर करना शुरू करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों दोस्तों अगली खबर आ रही है वाली फेसबुक की तरफ से, और फेसबुक ने दोस्तों आज अपना क्रिप्टो करेंसी यानी कि खुद की क्रिप्टो करेंसी लिब्रा, जो कि हम बहुत टाइम से सुन रहे थे कि लिब्रा आएगा या ग्लोबल कॉइन आएगा, तो उसमें साथ फाइनली हो गया कि लिब्रा उसका नाम होने वाला है, उसका वाइट पेपर लॉन्च कर दे जिसके बारे में मैं आपको कल एक वीडियो बना के डिटेल बता दूंगा कब कैसे क्या सारी डिटेल वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो पर अच्छी बात है दोस्तों इन्होंने करा है और ये एक स्टेबल कॉइन होने वाला है मैं आपको पहले बता दूँ, और सबसे बड़ी बात कि इस स्कैम को आप क्या कहोगे समझ नहीं आता, ये मतलब जो तीतर है ना मतलब USDT तो वो और इसमें कोई अंतर नहीं है, ये मैं आपको पहले बता दूँ, चाहे इसका वाइट पेपर आप पढ़ो ना पढ़ो, बट हाँ ये कुछ तरीके से हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा उससे ज़्यादा आगे निकल जाएगा, क्योंकि इनका कंज्यूमर बेस 1.3 बिलियन का एक्टिव यूजर्स से आते हैं, प्लस इनके पास व्हाट्सएप है प्लस इंस्टा है और भी कुछ सर्विसेज है, मुझे तो पता भी नहीं कितना है, मैं फेसबुक यूज़ भी नहीं करता इतना, तो यहाँ पर एक मेजोरिटी चैलेंज हो सकता है जो कि मैं कल की वीडियो में आपसे एकदम डिटेल में बात करूंगा, एक एक पॉइंट्स को हम इस पर क्लेरिफाई करेंगे, और ये भी देखेंगे कि क्या ये फेसबुक का कॉइन बिटकॉइन को धोएगा या फिर बिटकॉइन इसको भगाएगा, तो ये सारी चीज़ें दोस्तों हम कल बात करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग अगली जो न्यूज़ है वो आ रही है दोस्तों पोलैंड में जो पॉलिश बैंक है वो वेरीफाई करने लग गए जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं और इथेरियम ब्लॉकचेन, यानी कि आप देख सकते हैं कि एलोर बैंक करके एक है वहाँ पर वार्सो के अंदर पोलैंड के अंदर, और यहाँ पे जो है इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर अभी अपने क्लाइंट्स के डॉक्यूमेंट को आइडेंटिफाई कर रही है, यानी कि दोस्तों इथेरियम का जो यूज़ केस है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और एक टेक्नोलॉजी तो अच्छी आपको पता है कि अभी माइक्रोसॉफ्ट भी एजूस के ऊपर उसको यूज़ कर रहा था, तो बहुत सारी चीज़ें जो फ्यूचर में निकल के आएंगी इथेरियम के ऊपर, तो इथेरियम एक मेजर डील हो सकता है। नेक्स्ट दोस्तों खबर आ रही है वो आ रही है रिप्पल की तरफ से, रिप्पल सबका फेवरेट है बहुत सारे लोगों का, तो यहाँ पर रिप्पल जो है उसने $50 मिलियन की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करी है मनीग्राम में, मनीग्राम जैसे मास्टर कार्ड वीजा ये तो क्या डिजिटल थोड़े से हो जाते हैं, मनीग्राम एक वो है कि एक देश से दूसरे देश जो पैसा आदान प्रदान होता है रेमिटेंस और उसके लिए, तो यहाँ पर इन्होंने पार्टनरशिप करी जिसमें क्या होगा कि जो मनीग्राम है वो एक्चुअली इनका रिप्पल का जो एक्स रैपिड प्रोडक्ट है उसको यूज़ करेगा, 50 मिलियन जो यहाँ पे डॉलर दिए हैं
इसमें रिपल को एक्सचेंज करेगा, तो यहाँ पे जो स्पीड होगी वो बहुत ज्यादा होगी, और रिपल तो कहीं ना कहीं यूज होना ही, क्योंकि इनका खुद का प्रोडक्ट एक्सरा भी बिना रिपल के चलने भी नहीं वाला, तो रिपल का इंटीग्रेशन होगा। और ये बहुत बड़ी न्यूज है जिसके कारण फिलहाल में अगर हम चार्ट पर रिपल के देखें तो इतना कुछ खास ड्रॉप नहीं मिला, लेकिन रिपल का चार्ट बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, और अगर एक बड़े टाइम फ्रेम में देखें तो ऑलमोस्ट बॉटम के आसपास बैठा हुआ है, मतलब बीटीसी के पेयर में कह सकते हैं, यूएसडीटी में तो ऑलमोस्ट इसने थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म भी यहाँ पे करा है, तो रिपल एक अच्छा हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए, देख सकते हैं रिपल को भी आप लोग। नेक्स्ट दोस्तों जो लास्ट खबर हुआ है दोस्तों बाइनेंस की तरफ से, और बाइनेंस ने दोस्तों बिटकॉइन लॉन्च कर दिया, बिटकॉइन लॉन्च कर दिया है, तो एक्चुअली दोस्तों बिटकॉइन नहीं है, इन्होंने क्या करा है कि एक नया कॉइन लॉन्च करा है जिसका नाम है बिटकॉइन बीएनबी, शॉर्ट फॉर्म में बोले तो BTCB, जो कि पैक्ड होने वाला है। पैक्ड का मतलब होता है कि उसका बैकअप होने वाला है बिटकॉइन के साथ, और यहाँ पे जो टोटल बिटकॉइन का इनका बैकअप है वो ऑलमोस्ट है 9001 बिटकॉइन का उन्होंने बैकअप करा है। तो आपको पता होगा जैसे तेतर है वो डॉलर से बैकअप है, फेसबुक का कॉइन आएगा ये भी कुछ असेट से बैकअप है जो मैं कल बताऊंगा, तो यहाँ पर अभी इन्होंने जो कॉइन निकाला है वो 9001 BTC से बैकअप करके निकाला है कि इनकी जो चेन जो कि बाइनेंस की चेन है, मैं आपको डेक्स पे दिखा देता हूँ ऑलरेडी, यहाँ पे ये कॉइन लिस्ट हो गया और इसके साथ यहाँ पर इनकी ट्रेडिंग भी शुरू हो चुकी है, और प्लस इनका है कि ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर भी इस कॉइन को लेके आएंगे। तो मुझे ये एक्सपेक्टेशन थी कि शायद इसका प्राइस बिटकॉइन के पेयर के हिसाब से होगा, मतलब जितना बिटकॉइन का प्राइस है उतना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं हुई, और यहाँ पे जो प्राइस है वो आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट BNB के पेयर में भी लॉन्च हुआ है, तो 0.03 शायद ये BNB का प्राइस होगा BNB के पेयर में, तो लेट्स सी कि इसका खुद का प्राइस क्या निकल के आता है, कि या फिर ये भी बिटकॉइन की जितना प्राइस रहता है, क्योंकि बाइनेंस का मेजर प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि उनकी जो चेन है बाइनेंस चेन वो बिटकॉइन को सपोर्ट नहीं करेगी, वो इथर को सपोर्ट नहीं करेगी, वो रिपल को सपोर्ट नहीं करेगी, वो आडो को सपोर्ट नहीं करेगी, तो इनके ऊपर जो जो प्रोटोकॉल चेंज हो रहे हैं यानी कि जो भी ब्लॉकचेन इन पर शिफ्ट हो रही है, जैसे कि आप अगर यहाँ पे बहुत सारे कॉइन्स देखोगे BNB में जाके तो एंकर AWC BCPT बोर्ड ये सारे कॉइन्स ने क्या करा है कि अपनी ब्लॉकचेन छोड़ के या फिर इथेरियम के जब भी टोकन से उसको छोड़ के ये सारे बाइनेंस की ब्लॉकचेन पे आ चुके हैं, लेकिन बिटकॉइन ऐसा नहीं कर सकता, तो इन्होंने क्या करा एक नया बिटकॉइन क्रिएट कर दिया जो कि उसके इक्विवेलेंट बैलेंस के साथ होने वाला है, और यहाँ पे जितनी ट्रेडिंग यहाँ होगी उसके इक्विवेलेंट में इस पर कम ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे होती रहेंगी, यानी कि इन्होंने बिटकॉइन को एक तरीके से इंटीग्रेट करने की कोशिश करी है डेक्स के अंदर बिना बिटकॉइन को लाए, तो हो सकता है फ्यूचर में इथेरियम का भी ऐसा कोई पेयर आ जाए, रिपल का भी आ जाए, और आपको एक पैकिंग देखने को मिल जाए, और ये ट्रांसपेरेंट पैकिंग है जिसकी ऑलमोस्ट अगर आप इनके ट्वीट पे जाओगे CZ के तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे लिंक्स जहाँ पे आप देख सकते हो पूरा ब्लॉकचेन में कि वो सारी एसेट्स वहाँ पे रखी हुई है। तो बस दोस्तों आज की सारी न्यूज़ खत्म होती है, आज की वीडियो भी अभी फिनिश होती है, आपके कोई भी सवाल जवाब कमेंट में आप मुझे बता देना, और फिलहाल में दोस्तों बिटकॉइन पे नज़र रखें, बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है आने वाले फ्यूचर में, थोड़ा सा डाउनवर्ड मुझे लग रहा है, तो हो सकता है कि प्राइस वापस स्टक करके नीचे आ जाए और ये लाइन हमको यहीं पर रखनी पड़े, तो हो सकता है कि जो प्राइस है वो थोड़ा सा अप डाउन करने की कोशिश करें, लेट्स सी कि मार्केट किस तरह बिहेव करता है, जिधर भी जाएगा उस तरफ हम लोग ट्रेड यहाँ पे करने वाले हैं। सो अब दोस्तों वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, दोस्तों अगर वीडियो अगर पसंद तो दोस्तों कर देना लाइक, नहीं है तो कर देना डिसलाइक, दोस्तों अगर चैनल फर्स्ट टाइम आए तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप इसी तरह इंटरेस्टिंग अपडेट यहाँ पे पा सके और पूरे मार्केट से अपडेटेड रह सके। और दोस्तों अगर अभी तक आपने कोर्स परचेस नहीं करा, आप करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि ये कैसे काम करता है, क्या क्या चीज़ें होती है, तो आप मुझे इस मेल आईडी पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो बस दोस्तों मिलता हूँ अगली वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।